नमस्ते जी वेरी गुड इवनिंग सो वी आर ऑन द फ्राइडे दैट इज द लास्ट डे ऑफ दिस वीक टिपिकली दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वीकली रिव्यू आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट यू थ्रू सम रिगर ऑन द डेली रिव्यूज आल्सो जस्ट टू स्टार्ट ऑफ मे बी आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया वॉट ऑल थिंग्स दैट यू कैन वॉच थ्रू द डे रिव्यू एंड दैट विल हेल्प यू टू टेक डिसीजन तो आज की जो ये कोशिश है इसमें मैं आज के दिन भर का एक छोटा सा रिव्यू आपको दूंगा और हम देखेंगे पांच स्टॉक्स लार्ज कैप्स में से जो काफी अच्छे सेटअप हुए हैं तो लार्ज कैप स्टॉक्स जो रहते हैं टिपिकली वो मूवमेंट कम देते हैं लेकिन आ, उसमें एश्योर्ड मूव ज्यादा होती है यानी आपके हिट रेट्स वहां पे बढ़ जाते हैं आप इसमें फ्यूचर्स का भी यूज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए चलिए देख लेते हैं आज क्या हुआ एक छोटी सी समरी क्विकली और फिर हमारे वो पांच के पंच राइट right. तो आज का दिन वैसे बहुत ही पॉजिटिव था शुरुआत काफी अच्छी हुई बाद में फिर से ऐसा लगा कि कल की तरह हम ठंडे पड़ जाएंगे लेकिन फिर से अच्छा सा मूव आया तो शुरुआत में काफी सा डगमाया डगमगाया सा था फिर अच्छा मूवमेंट आया फिर थोड़ा करेक्शन और फिर एंड में बहुत स्ट्रांग पुश आया जो कि दर्शाता है कि अगला वीक काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए तो इस हिसाब से आगे देखते हैं क्या हो रहा है तो आज का टॉप जो सेक्टर था सीएनएक्स रियलिटी मैंने अपने मिडवीक के वीडियो में ही बताया था कि एक सेक्टर मुझे दिख रहा है जो अपने आप में काफी स्ट्रेंथ ला रहा है और थैंकफुली इनफ अपना एनालिसिस इस बार बराबर ठहरा तो सी रियलिटी में आप देख सकते हैं कि थ्री परसेंट मूव आने के कारण ओवरऑल जो है स्टॉक में एक अच्छी मूव दिख रही है यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व अभी ये एक रेंज में से ब्रेकआउट लेकर के ऊपर की तरफ कन्फर्म्ड मूव दे रहा है तो सवेरे निगेटिविटी थी लेकिन एक हैमर का बनना बहुत पॉजिटिव है कभी भी ब्रेकआउट पे हैमर बनता है तो वो बहुत पॉजिटिव रहता है सो नाइसली सेटअप एज फार एज द स्ट्रक्चर गोज यस काफी जनों ने बराबर रिप्लाई किया था पिछली बार इट इज असीपी वोलाटिलिटी कॉन्ट्रेक्शन पैटर्न या कन्वेंशन वे में कहे तो इट इज असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न तो यहाँ पे और मूव एक्सपेक्टेड है आई एम स्टिल जिन्होंने आज अच्छा मूव दे भी दिया दैट वॉज शोभा एंड लोढ़ा तो बहुत स्ट्रांग मूव आया है उन दोनों की तरफ से फिर दूसरा एक सेक्टर है जिसको मैंने एक्चुअली दो हफ्ते पहले बोला था कि ये अच्छी मूव देगा दैट वॉज निफ्टी ऑटो काफी निगेटिविटी थी उस टाइम पे लोग बातें कर रहे थे कि इन्वेंट्री पेंडिंग है टाटा मोटर्स में मारुति में प्राइसेस प्राइसिस डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे लेकिन चार्ट कुछ अलग कह रहा था मुझे लगता है कि चार्ट कहीं पे इस तैयारी में था कि रेट गिरने वाले हैं और जैसे ही बैंक्स के रेट्स गिरेंगे आपके ऑटोमोबाइल्स के लोन सस्ते हो जाएंगे एक्चुअली इंपैक्ट डायरेक्टली आने वाले हैं ऑटोमोबाइल्स के लोन सस्ते हो जाएंगे रियल एस्टेट के भी लोन सस्ते हो जाएंगे तो इन दोनों चीजों पर तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखा है और बैंकिंग में प्राइवेट बैंकिंग को बेनिफिट होगा बिकॉज देयर लेंडिंग लैंडिंग कैन पिकअप वेरी वेल क्योंकि लोग ज्यादा लोन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और जिस रेट से उन्हें भी पैसा मिल रहा है उनके इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाएंगे पीएसयू बैंक में अभी भी लेकिन मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है ये देखिए निफ्टी ऑटो अब आप मुझे बताइएगा ये कौन सा पैटर्न बना है निफ्टी ऑटो में हमेशा की तरह आपके जवाबों का इंतजार रहेगा कमेंट्स में पक्का मेंशन करिएगा कि निफ्टी ऑटो में कौन सा पैटर्न बना है इस बार ठीक है अभी आगे बढ़ेंगे हमारे आज के ओवरऑल डिक्लाइंस uh, और गेनर्स कैसे थे तो आपको दिखेगा सीधा एडवांसिंग स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा थे जैसे जैसे हम दिन के एंड में पहुंच गए एडवांसेस बहुत स्ट्रांग हो गए थे और ओवरऑल बहुत अच्छा है दिस इज गुड फॉर अवर कमिंग वीक राइट प्रेफर्ड सेक्टर्स में अभी रोटेशन में तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है एनर्जी ऑयल एंड गैस निफ्टी पीएसयू यही अभी निगेटिव में बैठे हुए हैं तो आई वुड स्टिल वेट फॉर देम टू मूव अराउंड राइट स्टॉक स्पेसिफिक्स की अगर बातें करते हैं तो आज कुछ जगह पे जो मूवमेंट और ब्रेकआउट अच्छा दिखाई दे रहा है लार्ज कैप्स में जो जो पांच के पंच है उनको देखेंगे तो सबसे पहले है एच बैंक इस बार शायद इरादा करके निकल रहा है कि मैं ब्रेकआउट दे दूंगा वीकली बेसिस पे काफी स्ट्रांग सेटअप हो गया है और लगता है इस बार ये ब्रेकआउट टिकने वाला है तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इसकी जर्नी जो है पूरे तीन साल के लिए अटकी हुई थी एच बैंक की बहुत ही स्ट्रांग सेटअप है ये अगर मैं देखू ओवरऑल तो ये कंसोलिडेशन जो हुआ है अराउंड ट्वेंटी फाइव परसेंट के बीच में ये कंसोलिडेशन हुआ है और ये पूरे के पूरे साढ़े तीन साल से चलता हुआ आ रहा है जनवरी इक्कीस से जो चालू हुआ है ये साढ़े तीन साल चला हुआ है और काफी अच्छे चांसेस से ये हमको ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट रिटर्न दे देगा चांसेस काफी अच्छे हैं तो एच बैंक है जो मेरा पहला सेटअप है वैल्यूएशन वाइज अभी सब प्राइवेट बैंक सस्ते हो गए हैं और जैसा कि मैंने कहा कि आगे जाकर के इनका जो जिस रेट से इनको पैसे मिलते हैं वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे और देते टाइम भी वो सस्ते रेट्स पे लोन दे सकेंगे दैट विल बी वेरी गुड थिंग फॉर देम और ये है वीकली क्लोज तो ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे अभी कंफर्म हो गया है आप देखेंगे पिछली बार भी कोशिशें हुई फ्रस्ट्रेशन बहुत लोगों को आया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म सबका दिमाग खराब करके रखा इसने बट यस yes, ये है यहाँ पे एक अच्छा सा वीकली क्लोज एच डी एफ सी बैंक सीरियस है और ये जो पैटर्न आ रहा है नियर टर्म में आपको जो दिख रहा है यहाँ पे डेफिनेटली बताइएगा ये कौन सा पैटर्न है एच डी एफ सी बैंक में ये भी एक सॉलिड बेस बनाता है ये भी आपको बताता है कि यहाँ से हम सीरियस है और एक चीज आपको बताऊँ डेली चार्ट पे भी जो मूवमेंट आई है वो भी सीरियसनेस दर्शाती है जैसे मैंने कहा था मेरे पिछले वीडियोज में कि अगर जितने आपको छोटी छोटी कैंडल्स बनती हुई दिखेंगी ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन में उतना बेटर होता है जितनी वोलाटाइल कैंडल्स होती है ना उतना आगे इनडिस करके आ जाता है क्योंकि इसमें वीक हैंड्स इन्वॉल्व है जो हैवी हैंड्स इन्वॉल्व होते हैं उनके कारण वोलाटिलिटी इतनी नहीं आती है बेचना या खरीदना वो एक प्राइस की रेंज में करते हैं वो यहाँ ऑर्डर डाल दिया और कहीं पे ले लिया कहीं पे बेच दिया ऐसा नहीं करते जब भी सीरियस हैंड्स इन्वॉल्व होते हैं स्पेसिफिक प्राइस लेवल को टारगेट करते हैं जिसके कारण ये कैंडल्स छोटी हो जाती है और आपको बता देती है कि सीरियस हैंड्स इस केस में इन्वॉल्व है आई एम होपफुल फुल एच डी एफ सी इज द वे टू गो स्टॉप लॉसेस एज ऑलवेज सिंपल सा काम करना है आपको ब्रेकआउट देख लीजिए और वहां से बना हुआ हमारा लास्ट वेव बॉटम तो मेरे ख्याल से 1620 एक अच्छा सा वेव बॉटम है अब 16 से 20 को भी अगर शॉर्ट टर्म में लेकर के चलते हैं तो दिस विल बी क्वाइट गुड टू फॉलो अप फर्दर राइट अब देखेंगे हमारा अगला स्टॉक ये भी बैंकिंग से है लेकिन सेटअप अलग है कैसे अलग है अगर आप देखेंगे एच का जो सेटअप बन रहा है वो बन रहा है ऑल टाइम हाई पे ठीक है दूसरी तरफ हम जाते हैं कोटक में तो कोटक में भी अगर वीकली चार्ट देखते हैं आठ साल वीकली का तो सेटअप जो है वो बन रहा एक रिकवरी चैनल पे तो एक रिकवरी चैनल है जिसमें ये सेटअप बन रहा है और उस चैनल में से अब इसने आते हुए ब्रेकआउट दे दिया है तो यहां से एक ही चैलेंजेस रहती है जो मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी मैं डिस्कस करता हूं कि टिपिकली आप जब ऐसे माहौल में ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है तो कोटक महिंद्रा वैल्युएशन वाइज अच्छा है क्वालिटी वाइज अच्छा है चैलेंज आएगी आपको यहाँ से आज 1905 पे है निकलते निकलते शायद ये 2000 पे आपको एक रेजिस्टेंस दे दे और वहां से भी छूटेगा तो अराउंड डायरेक्ट आई थिंक एटी एच ट्वेंटी टू हंड्रेड ये दो लेवल है जिसको वॉच करिएगा बट सेटअप इज गुड चांसेस है कि यहां से कोटक महिंद्रा बैंक ओवरऑल जो सेक्टोरल मूव है उसका बेनिफिट लेते हुए आगे चला जाएगा दिस इज माई सेकेंड वन और यहां पे भी अगर हम पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे मी कम टू थ्री इयर्स अब ये भी पैटर्न अगर आप देखेंगे तो काफी रिलायबल सा है मेनी पीपल कैन कॉमेंट ऑन दिस ओवरऑल जो ये पैच बना है तो कई के बारे ना आपको स्टॉक्स के जो पैटर्न है वो भी बता देते कि ओवरऑल सेक्टर का बिहेवियर ही खुद कैसा चल रहा है तो आप देखेंगे जो पैटर्न एच डी एफ सी बैंक में बना है वही बना है आ, कोटक में तो एक तरह के से रिलायबल मूव का भी इंडिकेशन है कि अगर स्टॉक और सेक्टर का पैटर्न और मल्टीपल स्टॉक्स का पैटर्न विद इन द सेम सेक्टर सेम है तो इस बार और ज्यादा एश्योर्ड मूवमेंट आ सकती है ठीक है फिर अगला स्टॉक देखेंगे टाइटन का तो टाइटन के केस में ये आप नॉलेज गेन के लिए रखिएगा ये एक्चुअली इज रियली नॉट पांच का पंच बट मैं एक एडिशनल आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी इसलिए आज शेयर कर रहा हूं जस्ट एज अ लर्निंग पैटर्न तो पैटर्न रिपीट होते हैं लेकिन कई कई बार स्टॉक की जो मूवमेंट्स होती है ना वो भी एक समान दिखाई देती है चार्ट में तो ये है हमारा टाइटन का जो मूव जो आ रहा है ऑल टाइम हाई के नजदीक एक ऐसा सिमिलर सा मूव आपको दिखाई पड़ेगा इस पैच में इफ यू कैन सी ये पैच में भी एक ऐसा ही मूव आपको दिखाई पड़ेगा एग्जैक्टली सेम मूव सा यहाँ पे भी बना हुआ था तो ये एक चीज है जो फिर से एक एश्योरेंस देती है कि जिस तरीके का मूव पिछली बार हमको यहां से यहाँ मिला था ना वैसा आगे जाते हुए मिलने के काफी चांसेस हैं क्योंकि ठीक से देखेंगे एग्जैक्टली exactly काफी कुछ वैसा ही पैटर्न यहाँ पे है जैसा आपको अभी इस सेटअप में दिख रहा है जस्ट लुक एट इट एंड रियली गेट अ फील की हाउ मच दिस्ट्री इज रिपीटेड ऑन द चार्टाउ मच पीपल्स बिहेवियर हाउ मच इन्वेस्टर्सेवियर इन स्टॉक इज प्रमचलर चांसेस ऑफ टाइटन टू गो अपर ऑल्सो गुड गोल्ड की प्राइसेज ऊपर है सीजनेलिटी भी जो फेस्टिविटीज आगे आ रही है गिफ्टिंग बढ़ने वाला है शादी का सीजन है त्यौहार है तो सोना जम से बिकेगा तो ये भी आप देख सकते हैं टाइटन इट इज मोर नॉलेज बेस ई आई एम रियली नॉट इंक्लूडिंग इन टू फिफ्थ बट यू कैन से इट इट इज द दिक्कत पंच ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू फिर आते हैं दूसरा सेक्टर जो आज स्ट्रांगली चला जो था ऑटो तो ऑटो सेक्टर के बारे में मैंने आपको चार्ट दिखाया था यहाँ पे इस पैटर्न का आप पहचान सकते हैं तो उसी सेक्टर में से जो लीडिंग मूवमेंट्स आई हैं एस्कॉर्ट्स में एक मेजर मूव आई आज विच वाज अराउंड सेवन परसेंट वेरी स्ट्रॉन्ग दिस इज एन इंटरेस्टिंग बेस दिस शोज दैट द बॉटम इज वेरी मच मेड दिस इज अ डबल बॉटम काइंड ऑफ अ सेटअप है और यहाँ पे एक स्ट्रॉग कैंडल बनी है तो इस बार एस्कॉर्ड्स पे आप मुझे कैंडल का नाम बताइएगा थोड़ा थोड़ा रिविजन करते रहेंगे तो इस कैंडल को क्या कहा जाता है टिपिकली सच अ बोल्ड कैंडल विथ नो टॉप विक आई एम गिविंग यू क्लू विथ नो टॉप विक

हमेशा जब भी ब्रेकआउट दिखे थोड़ा सा वीकली पे भी देख लेना ताकि आपको और कंफर्ट मिल सके तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दू दिस इज कमिंग लाइक अ कप इफ आई एम लुकिंग एट द वीकली ये कप की तरह नजर आता है तो शायद थोड़ा सा हमको यहाँ पे एक ड्रॉडाउन देखने को मिले हैंडल का अदरवाइज वैसे मुझे नहीं लगता ये कोई स्टॉप लॉस वगैरह ब्रेक करेगा गुड टू फर्दर मूव दिस इज अ वेरी गुड सेटअप और fundamentally also the stock is very good फिर mahindra and mahindra tractor sales monsoons done away with further activities should pick up mnm also is showing a very good pattern and actually approaching the all time high yahan pe bhi aapko ek solid volume milega to is tarike se ye panch ke panch hai aaj mere ek hai aapka hdfc bank dusra hai kotak tisra hai bosch चौथा है एस्कॉट्स और पांचवा है एम एन एम टाइटन मैंने एक एडिशनल नॉलेज के लिए आपको दिया हुआ है अब पाइपलाइन में कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छे ब्रेकआउट दे सकते हैं एडवांस में आपको अलर्ट करके रखता हूं इनको जरा वॉच करिएगा क्योंकि ये सेटर्स भी लार्ज कैप स्टॉक्स पे है और काफी अच्छे हैं तो देखते हैं नेस्ले सबसे पहले तो काफी भागदौड़ पहले ही एफ में हो गई है लेकिन ये बिग बॉस पीछे से आ रहा है दिस इज यू कैन वॉच दिस भी पैटर्न बताइएगा क्या दिखता है आपको राइट दिस इज बिग मूवर इन द पाइपलाइन ओवरऑल पूरे साल भर अभी यह कंसोलिडेट हुआ है नौ महीने काफी अच्छे मूव्स यहां से नेस्ले भी दे सकता है अगला सेटअप है जो ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है नॉट क्लियरली ब्रेकआउट येट दैट इज वी एक बात याद रखिएगा जो कुछ भी मैं शेयर कर रहा हूं आराम से एज्यूम कर लीजिएगा कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूं मैं इसको खरीद चुका हूं और अगेन uh, ये सब नॉलेज गेन के लिए यहाँ पे कुछ भी एज एन एडवाइज नहीं है ये देखिए एक बॉक्स बन गया है वीई में 470 का लेवल वॉच करिएगा मेटल का सेक्टर है कमोडिटीज का सेक्टर है इसलिए थोड़ा टाइम लेगा शायद ब्रेकआउट के लिए बट डेफिनेटली लग रहा है कि इसका इरादा तो ऊपर जाने का है क्यों इरादा ऊपर जाने का है अगर आप देखेंगे इस बार को जो रिवर्सल हुआ है वो पिछली बेस से ऊपर हुआ है तो आप देखेंगे बेसिस जो है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं विच इज़ अ वेरी गुड साइन वेदांता इज अ गुड ब्रेकआउट इन पाइपलाइन और डीएलएफ जो कि एक लीडिंग सेक्टर है आज का रियल एस्टेट उसमें से आ रहा है बट पिछले वीडियो मैंने बताया था हमको आठ सौ अस्सी का इंतजार रहेगा जस्ट uh, अभी हम वहां पे नॉक कर रहे हैं तो राइजिंग एवरेजेस के साथ आप इसमें मीट कर रहे हो तो दिस एवरेज इज पुशिंग इट टुवर्ड्स होट रेजिस्टेंस टिपिकली ब्रेकआउट्स काफी सक्सेसफुल होते हैं ऑब्जर्व करते रहेगा जो जो मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ आपको नोट्स बनाइए या लिखिए या आने वाले डिस्कशंस में भी सिमिलर एग्जाम्पल्स आप देखते रहेंगे तो आपको और आइडियाज आती रहेंगे ठीक है तो आज के पांच के पंच थे और कुछ तीन सेटअप्स एक्स्ट्रा शायद चार सेटअप एक्स्ट्रा टाइटन नेस्ले वीईडीएल एंड डीएलएफ वाइल कोर ब्रेकआउट्स दैट यू हैव डेफिनेटली हैव टू ट्रैक इट एचडीएफसी बैंक कोटक बैंक बॉश एस्कॉट्स और एमएन हैव अ ग्रेट वीकेंड मिलेंगे ड्यूरिंग द वीक मुझे टाइम मिलेगा तो जरूर रिलीज करूंगा मेरा और एक वीडियो फॉर द वीकेंड रिव्यू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड डेफिनेटली हैव अ गुड टाइम इस महीने दैट इज द इन द मंथ ऑफ अक्टूबर का प्रोग्राम मैं अभी रिलीज करने वाला हूँ जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी और बॉटम फिशिंग स्ट्रेटेजी के प्रोग्राम तो अगर आपके अगले महीने के तीन वीकेंड्स फ्री है तो डेफिनेटली ज्वाइन मी इन द डिस्कशन आई वुड लव टू कनेक्ट विथ यूल टेक केयर देन बाय बाय हैव अ ग्रेट वीकेंड थैंक यू